चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। इंदौर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां से पत्नी पर मायके से रुपए लाने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। तो इंदौर में एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया। लोडिंग की किस्त भरने के लिए ससुराल पक्ष से रुपयों की मांग की जा रही थी। पत्नी पर लगातार पति और उसके ससुराल वाले दबाव बना रहे थे कि मायके से रुपए लेकर आओ। सास, देवर और पति पर मारपीट के भी आरोप महिला ने लगाए हैं। पति मोहम्मद सरताज, जिसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, खजराना थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तीन तलाक का मामला सामने आया। पत्नी पर मायके से रुपए लाने के लिए दबाव लगातार ससुराल पक्ष की ओर से बनाए जाने लगे। लोडिंग जो वाहन होता है उसकी किस्त भरने के लिए परिवार लगातार रुपयों की मांग अपनी बहू से कर रहा था। पति जो है मोहम्मद सरताज अपनी पत्नी पर दबाव बना रहा था कि वो मायके से रुपए लेकर आए। ऐसे में जब पत्नी की ओर से मना किया जाता तो उसके साथ मारपीट भी की जाती। खजराना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर है इस वक्त की आर्थिक राजधानी इंदौर से। तीन तलाक कानून बन चुका है देश में, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कुछ जो लोग जिनके हौसले बुलंद हैं, जिन्हें कानून तक का खौफ नहीं है, वो सीधे इसे चेतावनी भी देते इस तरह के घटनाक्रम के जरिए नजर भी आते। अखिलेश हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। अखिलेश, पूरा मामला विस्तार से बताइए और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है आरोपियों के खिलाफ। बिल्कुल, आज पूरा जो मामला है खजराना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर जो इकरबा बी की शिकायत पर उसके पति जेठ और सास के खिलाफ तीन तलाक का प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि जो पति है वो लंबे समय से जो पत्नी है उसे मायके से पैसे लाने के लिए लगातार जो परेशान उसके द्वारा किया जा रहा था, और जब उसकी पत्नी ने पैसे लाने से इनकार कर दिया तो उसने तीन बार तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई है। फिलहाल तीन तलाक का ये मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद जो पीड़िता है वो खजराना थाने पहुंची, जहां पर उसने शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि जो लोडिंग गाड़ी है उसके पति ने लोन लेकर खरीदी थी, और उसी जो गाड़ी है उसके पैसे चुकाने के लिए लगातार वो पत्नी के ऊपर दबाव बना रहा था, और ताकि जो उसकी जो लोन की जो किस्तें हैं वो चुका सके। जब पत्नी पैसे नहीं ला पाई तो उसे तीन तलाक दे दिया गया। शुक्रिया आपका अखिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई भी कर रही है। लोडिंग वाहन खरीदा था तो उसके लोन की जब राशि नहीं चुका पाया, आरोपी पत्नी पर दबाव बनाता रहा, उसके साथ मारपीट करता रहा और तीन तलाक भी दे दिया गया। अब इस मामले में आगे जांच की जा रही है।